सभी ब्लॉगर हैं। हेलो गाइज, क्या हाल है? ये देखिए हमारे भाई लोग आए हैं मिलने के लिए। बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा थी मिलने की जो है नमन भैया से। बहुत दिन हो गया था मुलाकात किए हुए। ये हमारे प्रबंधक साहब मदरसा फारूकिया फैज़ आम के, और ये हमारे जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। बगल में एक छोटा चुटपुजिया है, चाचा जी से मिलवाइए भाई, चाचा जी से मिलवाइए। और ये माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी के। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं भाई लोग? हम लोग बस थोड़ा एंजॉय करने चल रहे हैं, खाना वाना खाने, नाश्ता करने, जो आप लोग समझ लीजिए। मास्क वास्क लगा लीजिए ऑनलाइन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं सऊदी कैसे आया और क्यों आया। क्योंकि जिस समय मैं, और पहली बार आया कि इससे पहले मैं रह चुका हूँ सऊदी में। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए कि सऊदी आने पर क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे आया, और यहाँ आने के बाद क्या करना पड़ा, कैसे क्या हुआ, सब कुछ। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं घर पे लगभग 2 साल, इससे पहले मैं 4 साल सऊदी रह चुका हूँ। तो और गया क्यों कि कुछ प्रॉब्लम था, जो इससे पहले कफिल था उसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी, तो वो बोला कि अब मुझे ज़रूरत है नहीं और इधर कोरोना वगैरह आ रहा है, तुम चले जाओ घर। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। उसके बाद मैं घर चला गया, फिर सोचा कि घर पे ही कोई काम वगैरह करता हूँ। तो घर पे कुछ काम वाम स्टार्ट किया जो कि चला नहीं। फिर जाने के लगभग 10-12 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन लगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस तरीके करते करते 2 साल लॉकडाउन में चला गया। और कई काम फिर हमने स्टार्ट किया जो जिसमें कोई हमको फ़ायदा नहीं मिला। फिर मन में आया कि चलो फिर सऊदी चलते हैं, और क्योंकि पैसा भी नहीं था, ख़त्म हो गया था सब कुछ घर में प्रॉब्लम पैसे का। फिर अब वीज़ा तो कई जगह से मिलना चालू होगा, कई लोग से बातचीत किए तो बोले कि इधर चले आओ उधर चले आओ, लेकिन मुझे जहाँ मैं था मैं सोचा कि वहीं पे चलूँ, ताकि क्योंकि वहाँ पे था, वहाँ का एरिया सब कुछ, मैं रियाद में था तो रियाद के बारे में मुझे पता था। तो रियाद में एक हमारे मित्र रहते थे, तो उनसे फिर हमने कॉन्टेक्ट किया, तो बोला कि हमने कहा कि कोई वीज़ा भेजो, हमको सऊदी आना है। तो वो वीज़ा क्या भेजे, मतलब सऊदी का एक नंबर भेजे, तो हमने, हमको अरबी आती थी तो बातचीत किया। फिर सऊदी तो चालाक होते ही हैं, बहुत कुछ सोच समझ के उसने वीज़ा वकाला, हमने एक ऑफिस का कार्ड भेजा जो कि नवाज खान जी है लखनऊ के, न्यू इंटरनेशनल सर्विस से, बहुत अच्छे हैं, हमारा उनका 2012 से रिलेशन है, बहुत बढ़िया उनकी सर्विस है, आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। उनके माध्यम से हमने कईयों को सऊदी बुलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपने रिलेशन में एक दो लोग को बुलाया, दोस्त यार कई लोग को बुलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से वो वीज़ा वगैरह का करते हैं, उनका भी नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर उनसे जो भी काम करवाना, वीज़ा संबंधित, पासपोर्ट, सब कुछ वो काम करते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने उनसे, नमाज भाई से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे ऑफिस का कार्ड भेजो और वीज़ा वकाला करवाओ। ऑफिस का कार्ड भेजे, फिर यह रियाद में वो पता नहीं कौन से ऑफिस से वो सऊदी ने वकाला करवाया। फिर स्टार्टिंग की बात देखो, हमारे पास पैसा नहीं था मेडिकल करवाने का और हमने वीज़ा मंगवा लिया। लेकिन वही है कि जब किसी का कुछ बिगाड़ो नहीं तो तुम्हारे साथ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। तो हमारे अंदर हौसला था कि हमको सऊदी जाना है किसी भी तरीके। फिर किसी तरीके हम पैसे वैसे का मैनेज किए, फिर मेडिकल करवाए। मेडिकल, अच्छा, सऊदी जाने में सबसे पहला कदम जो मेडिकल का होता है, जब आप मेडिकल कराने जाते हो सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि
ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट आदमी करता है कि किसी भी हाल में हमारा मेडिकल क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। सीने का एक्सरे होता है, टोटल बॉडी की जांच होती है, कोई ना कोई अच्छा खासा आदमी को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही आती है। लेकिन और मैं तो फिलहाल बहुत लापरवाह आदमी था सेहत के मामले में, तो सबसे बड़ा हेडेक मुझे यही था। लेकिन मेरी नसीब देखो, मेडिकल करवाया, ऑन स्पॉट क्लीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में फिट हो गया। फिर मेडिकल का रिपोर्ट हमारे नवाज भाई उन्होंने पिकअप किया, क्योंकि एक दिन बाद मेडिकल का रिपोर्ट मिलना था, और फिट अनफिट पहले ही उसी दिन बता दिया था, लेकिन वो एक दिन बाद रिपोर्ट सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से बोला ऑफिस वाला कि मेडिकल कल मिलेगा। तो हमने नवाज भाई को अपना रसीद दे दिया जो वहाँ से मिला था, वो नवाज भाई बोले ठीक है तुम जाओ हम ले लेंगे। फिर अपना लिए हुए, फिर वहाँ से चालू होती है प्रोसेस। अब क्या हुआ कि सब लोग डरवाने लगे कि ये एयरपोर्ट पे ये होता है वो होता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेडिकल से पहले कि हमने जो वैक्सीन लगवाया था वो आधार कार्ड से लगवाया था, तो क्या है कि जो आधार कार्ड से वैक्सीन लगवाते हैं कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता, उसको 2 मिनट लगता है पासवर्ड में पासपोर्ट में जो है कन्वर्ट कर अपडेट करने का, 2 मिनट में हमने अपडेट किया। उसके बाद वीजा नवाज भाई बहुत फास्ट में वीजा वगैरह स्टम्प स्टम्प करवा के रेडी कर दिए 10 से 15 दिन के अंदर। लेकिन अब उस समय टिकट बहुत महंगा था, 1,10,000 1,20,000 डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट था। अब उस उतना पैसा हमारे पास था नहीं। नवाज भाई बोले कि ठीक है थोड़ा वेट करो, हो सकता है सस्ता हो। हमने वेट किया करते 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 करते, इधर नया 1 महीने 1.5 महीने जैसा ही हुआ, जबकि वीजा जो स्टम्प जब हो जाता है तो 3 महीने की वैलिडिटी रहती है, उसके बाद प्रॉब्लम होता है। तो यानी कि हर हाल में 3 महीने के अंदर आपको जाना ही है। तो इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आने लगा, तो फिर फ्लाइटें वगैरह सब अफवाह उड़ने लगी कि बंद होने वाली हैं। अफवाह क्या, कुछ बंद भी हो रही थी। हमने सोचा कि इतना पैसा वगैरह लगा चुके हैं और कहीं फिर से फ्लाइट बंद हो जाएगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उसी चक्कर में हम गाड़ी बेच दिए, हमारे पास 4-व्हीलर थी और एक मशीन लिए थे जो दोना पत्तल वगैरह की, वो भी बेच दिए। सब कुछ बड़ी बहुत कुछ किया ऐसा कि जिसमें हम सच में बर्बाद हो जाते। लेकिन फिर एक समय आया कि नवाज भाई ने बोला कि ऐसा 95,000 का इस समय एक डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट है, ले लो। 10-5 हज़ार का मुंह मत देखो, जो तुम्हारे पास पैसा हमको दे दो, नहीं है कोई बात नहीं वहां जाके भेजना। सोचो वो बंदा हमारा घर नहीं देखा, हमसे सिर्फ 1-2 बार मुलाकात हुई है, बाकी फोन से ही बातचीत हुई और कोई वो नहीं। लेकिन इंसानियत देखो बंदे की, जबकि वो मुसलमान हम हिंदू। दुनिया में पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की अफवाहें चलती रहती है, लेकिन आज तक तो मेरे बहुत सारे दोस्त यार जो है मुसलमान है, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और ना कभी होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम कायदे से रहोगे, मान सम्मान से रहोगे, किसी को मान सम्मान दोगे और वफादारी से रहोगे तो तुम्हारे साथ भी सब कुछ वैसा ही होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो कुछ हमारे पास था जमा किया, नवाज भाई ने टिकट भेजा, फिर हम चले गए लखनऊ। लखनऊ से फिर शताब्दी का टिकट करवा दिया, शताब्दी का फिर टिकट कंफर्म तुरंत करवा दिया नवाज भाई बहुत एडवांस में सब कुछ करवा करके। फिर वहाँ से हम निकले, दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी, दिल्ली निकले। तो नवाज भाई ने सारा पेपर वर्क हमको करके दिया था, बोले थे कि तुम्हारा जो है मेडिकल का और ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट और बाकी सब कुछ जो भी जरूरी कागजात हैं ये सब फाइल बना के दीजिए, बोला यही सब लगेगा। वहाँ गए, वहाँ फ्लाइट के टाइम से 4 घंटा पहले, यानी हम तो पहुँच गए थे लगभग 8 घंटा पहले, वहाँ इंतज़ार किए। फिर 4 घंटा पहले जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो फिर हम अंदर गए, फिर बोर्डिंग करवाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा सब कुछ A to Z होता चला गया। हम अंदर चले गए, फिर फ्लाइट में बैठे, वहाँ से हमारी कतर की फ्लाइट थी, कतर वाया होके थी, कतर में थोड़ा वेटिंग था, फिर कतर में आए, कतर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा आ गए हम दम्माम, जबकि हमको रियाद में आना था लेकिन फ्लाइट दम्माम की ही मिली हमको। फिर दम्माम में 5 दिन क्वारंटाइन रहना था। अब हेडेक ये था कि दम्माम पहुँच गए हैं, अब कैसे हम होटल जाएंगे ये वो।
लेकिन नवाज भाई ने कहा था तुम टेंशन मत लेना, वहाँ पे गाड़ी आएगी आपको रिसीव करने होटल की। और सच में गाड़ी वाले ने वेट काफ़ी, मतलब काफ़ी पहले ही आया था, वेट कर रहा था क्योंकि हमारा थोड़ा फिंगरिंग में, अच्छा दम्माम एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया से काम होता है, फिंगर वगैरह सब कुछ फटाफट होता है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो लगभग 8-10 काउंटर उन्होंने खुलवाया, सब कुछ होता चला गया। हम लोग बाहर निकले, हम दो लोग थे वहाँ से, कतर से दो लोग मिले थे क्योंकि हमको वहीं से जान पहचान हो गई थी कि दम्माम में जिस होटल में हमको रुकना था तो उस रूम में दो लोग थे। तो वो दोनों लोग, हम लोग जब परिचय हो गया फ्लाइट में ही पता चल गया कि हमारे साथ में रहने वाले राजस्थान के भाई थे। फिर हम लोग को गाड़ी होटल वाले ने पिकअप किया, फिर होटल में आए, फर्स्ट क्लास 7-स्टार होटल था, एकदम मस्त। वहाँ पहुँचे तो दूसरे दिन, मतलब चेकिंग किए तो दूसरे दिन हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ। उसके बाद 5 दिन रहे, जिस दिन निकलना था चेकआउट करना था उसके एक दिन पहले दूसरा RT-PCR टेस्ट हुआ। तो वहाँ से फिर निकले, चेकआउट जब करना हुआ तो हमने सोचा यार RT-PCR टेस्ट तो हो गया है, अब उसकी रिपोर्ट कैसे मिलेगी क्या है। तो वहाँ से बात किए तो काउंटर पे, तो उन्होंने कहा कि आपके जो तवकलना ऐप है उस पर हमने अपडेट कर दिया है। अब तवकलना ऐप ये क्या वाला, हमने सुन रखा था। तो हमने क्या किया कि तवकलना ऐप रजिस्टर किया तो उसमें दोनों डोज शो कर रहा था, सब कुछ ओके था। अब दम्माम से हमको आना था रिया, तो दम्माम में हमारे एक बहुत परम मित्र हैं औसत भाई, उन्होंने कहा था कोई भी प्रॉब्लम होगी हमको कॉल करना। तो एक दिन हमने कॉल किया था, 3 दिन हो गए थे होटल में, तो हमने कॉल किया था तो वो आए थे हमारे लिए, कुछ जान में जान आए थे, वो मिले थे। तो उसके बाद फिर वो आए हमको वहाँ से होटल से रिसीव किए, फिर वहाँ से लगभग 30-35-40 किलोमीटर उनका रूम था, वहाँ पे आए तो वहाँ वो रुके। फिर वो रोक भी रहे थे लेकिन हमने कहा कि नहीं निकल ही जाते हैं। तो वो वहाँ से आए दम्माम से 10 किलोमीटर थोड़ा आउट में, पता नहीं कहाँ रहते हैं वो, एग्जिट हम भूल गए हैं। तो वो फिर अपने गाड़ी से हमको गए रोडवेज बस अड्डा, वहाँ गए तो पता चला कि बस तो काफ़ी लेट है। फिर वहाँ से लोकल गाड़ियाँ चलती हैं रियाद के लिए, 100 रियाल 120 रियाल ऐसे ही लेती हैं, सीधे रियाद ला के छोड़ देती है। तो वहाँ से हमने बातचीत किया तो एक ड्राइवर था मसरी, तो वो लाके हमको रियाद छोड़ा। रियाद में एक हमारे भाई साहब है नरेंद्र, तो उनको हमने सुबह 5 बजे फ़ोन किया, वो आए। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ अंदर डायरेक्ट आ नहीं सकते हो आप रात में टैक्सी वगैरह से, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो हमको अंदर से गए, बाहर छावनी में हम रहते हैं, तो बाहर से वो हमको पिकअप किए, फिर लाए, फिर छोड़े, कोई दिक्कत नहीं। और कफ़ील, फिर सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हमारा कफ़ील कैसा होगा, क्योंकि सऊदी आने के बाद सबसे बड़ा टेंशन यही होता है। लेकिन कफ़ील हमारा इतना अच्छा निकल गया कि सब कुछ सही, सब कुछ सेट। और आप लोगों के दुआ से हम इस समय ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी क्या समझ लो कि खाना है सोना है, बस एक घंटे आधे घंटे की ड्यूटी रहती है, कभी इधर उधर जाना रहता, नहीं तो खाना है सोना मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों जिसको भी सऊदी आना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आप फालतू में यूट्यूब पे इधर उधर देख करके परेशान ना हो, आप सीधे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई किसी को कुछ भी जानना हो कि सऊदी आने में क्या है कैसे है तो वो कमेंट में बताएंगे, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए और हर एक चीज़ के सऊदी के बारे में जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, प्रेस कर लो, ताकि आपको एक से एक अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ की मिलती रहे, जो कि हम डेली लगभग डालते ही रहते हैं।